खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके दिमाग के लिए कुछ रेसिपीज, यानी आपके मेरे सबके दिमागों के लिए, क्योंकि भाई खास तौर से बच्चों के लिए एग्जाम के टाइम पे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या खाना दिया जाए जिससे बच्चों के एग्जाम अच्छे हो जाए। वैसे खाना जो है वो आप कुछ भी दें, बच्चे अगर होशियार हैं, समझदार हैं, मेहनत की हुई है तो मार्क्स अच्छे होंगे, एग्जाम अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश खाने से भी करनी चाहिए, हर चीज से कोशिश करनी चाहिए कि सब अच्छा रहे। तो इसके लिए क्या चीज से आपका जो दिमाग है वो अच्छा होगा, भाई देखिए ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के लोग जो हैं बहुत अच्छा उनका दिमाग माना जाता है, यहाँ के लोगों में दिमाग नहीं होता, वहाँ ऐसा दिमाग होता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं क्यों होता है। खैर, जो दिमाग है, ब्रेन जो है, उसका जो खाना है उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या तीन चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं, आज की पहली रेसिपी से शुरुआत करते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग रेसिपी, और रेसिपी भी दिमाग के लिए बर्गर की रेसिपी है। कौन सा बर्गर? सिंपल सा, पहले तो इसमें वेजिटेरियन रेसिपी है, और इसके लिए आलू, आलू उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू, ये लीजिए ग्रेट किए हुए आलू, और उसके साथ साथ एक काम करना है हमें, जरा ये कुछ पका लेते हैं, तो थोड़ा सा तेल और फिर ये लीजिए। चलिए, अच्छा मैंने कहा था कि ब्रेन के लिए तीन जो खाने हैं बहुत ज़रूरी हैं, नहीं खाना ऐसा नहीं लेफ्ट वाला और या राइट वाला, मतलब उसका जो ब्रेन का फूड है वो क्या होना चाहिए। ब्रेन को खाना मिलता है तीन चीज़ों से, और जो तीन ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, तो खाने के अलावा और क्या होता है? और दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो पानी, जी हाँ पानी जो है, ब्रेन पूरी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ ऑक्सीजन, जी हाँ खाना, पानी और ऑक्सीजन, ये ब्रेन को अच्छा मिलेगा तो ब्रेन एकदम बढ़िया रहेगी, ऐसी रहेगी एकदम एक्टिव, स्फूर्ति ब्रेन में। तो ये जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ ये है चिकपीज बर्गर, जी हाँ इसके लिए ये आप ले लें काबुली चने, पानी के अंदर भिगोएं करीब 6 से 8 घंटे तक, और उसके बाद उसे बॉईल कर लें नमक के साथ, और फिर अच्छी तरह से जब ये बॉईल हो जाए तो इसे मैश कर लें। ये प्याज हो गए हैं, इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे कर दिया बंद, और ये सौते किया हुआ प्याज और हरी मिर्च, ये हो गया। अब इसके अंदर ये मैश किया हुआ चना, अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया, और उसके साथ साथ इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार, और इसमें और क्या डालना है, इसके साथ साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी, अच्छा लगता है इसमें, ज़्यादा नहीं डालें। और अब इसका बर्गर बनाने के लिए ये लीजिए, और उसके साथ साथ इसमें लगाएं ब्रेड क्रम्स, ये इस तरह से कर लिया रोल, दबाया हाथ से, भाई टिक्की तैयार। इसे पकाने के लिए तेल 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 हो गया गरम, और ये जब तक ये पकता है हम अपना ये जो बन है इसको तैयार कर लेते हैं। इसे तैयार कैसे करना है, बस इसी तरह से यहीं पर रख देते हैं हम, हल्का सा सिक जाए, ये हमने थोड़ा कर दिया गरम, और फिर इस पे लगाते हैं कुछ सॉस, थोड़ी तो मस्टर्ड, मस्टर्ड इंग्लिश या फ्रेंच कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ साथ थोड़ा केचप, अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो चिली सॉस भी लगा सकते हैं, ये लीजिए, और फिर प्याज, ये प्याज इसमें, और अब दूसरी तरफ से क्या हाल है, बढ़िया करारा रंग, ये लीजिए
और इसे खाना कैसे है। भाई खाने के लिए इसको थोड़ी मुश्किल होती है, वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैसे खाएंगे। कोई बात नहीं, जब भी कोई देख ना रहा हो ना तो इसको ऐसे पकड़ के नोच नोच के खाएं। प्यार से खाएं, आप चाहें तो अलग अलग पीसेस ऐसे खा सकते हैं स्टाइल में, इस तरह से, या काट के छुरी कांटे से, नहीं तो इसके ऊपर डालें, हल्का सा दबाएं और खा के देखिए। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप, दिमाग बढ़िया होगा। जो इसमें चने डले हैं ना, अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, अभी बनाइए, इंटरेस्टिंग भी है और उसके साथ साथ दिमाग भी बढ़िया होगा, गारंटी है। नोट करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप काबुली चने उबले हुए और मसले हुए, चार आलू उबले हुए और मसले हुए, एक बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, एक प्याज बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, डेढ़ छोटा चम्मच नींबू का रस और 3/4 कप ब्राउन ब्रेड के क्रम्स। सर्व करने के लिए 4 होल व्हीट बर्गर बंस, 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 8 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 12 पत्ते लेटस के, 1 प्याज रिंग्स में कटी हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज डालकर भून लें, इसके साथ इसमें हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक भूने। अब इसमें मसले हुए आलू डालें, इसके साथ साथ काबली चने, धनिया, नमक और नींबू का रस डालकर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तैयार मिक्सचर की टिकिया बनाएं और इसे ब्रेड क्रम में रोल करके हाथ से दबा दें। फिर एक पैन में थोड़ा तेल गरम करके इस तैयार टिक्की को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। अब बर्गर बंस को बीच में से काट कर गरम तवे पर सेक लें। अब निचले भाग पर मस्टर्ड सॉस और टोमेटो केचप लगाएं, ऊपर से लेटस के पत्ते रखें, प्याज के रिंग्स रखें और फिर तैयार पैटी को रखकर इस बर्गर का मजा लें तुरंत। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं ऐसे खाने जो दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हरी सब्जियां, फल, ये तो हमेशा से सुनते ही आए हैं, लेकिन इनको खाने में कैसे हम और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी सब्जियों को और ज़्यादा कैसे खाने में डाल सकते हैं। तो देखते हैं एक बढ़िया सी चीज़ जिसमें सब्जी भी है, गेहूं भी है, उसके साथ साथ घी भी है। जी हाँ, घी भी है, बड़ा अच्छा होता है ब्रेन के लिए। अब ये जो घी है ये कैसे फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन में और क्या क्या चीज़ें जाती हैं जिससे ब्रेन एकदम हो जाती है तंदुरुस्त। चलिए शुरुआत करते हैं आटे से और फिर इसमें डालें नमक और उसके साथ साथ अजवाइन। जी हाँ, ये अजवाइन स्वाद के लिए भी अच्छी है और सेहत के लिए भी, हाजमे के लिए अच्छी होती है। चलिए ये डाल दिया और अब पालक, ये पालक के पत्ते अच्छी तरह से धुले हुए, और ये जो पालक के पत्ते हैं इसे हमने इसका प्यूरे बनाना है। ये हो गया पालक का प्यूरे तैयार और इसको डालें ये आटे के अंदर और फिर इसमें थोड़ा दूध भी डालते हैं, मतलब पानी तो नहीं डाल रहे लेकिन गूंदने के लिए तो चाहिए ना। अब दूध जो है इसको गूंदने के बाद इसको आप कुछ देर रेस्ट दें। ये जो गूंदा हुआ आटा है इसके पेड़े, अच्छा ये जो पराठा है आप प्लेन भी बना सकते हैं, मतलब इसको इसी तरह से बेल कर सेक सकते हैं, लेकिन अब फैट के फायदे बताए हैं तो थोड़ा इसमें फैट डालते हैं, देसी घी डालेंगे। तो ये हमने ले लिया और इस पे लगाते हैं देसी घी, हाँ, और इस पे थोड़ा सूखा आटा और फिर एक जरा इस पे हम ये चीरा लगा के इसको कर दिया रोल, और ये रोल करके ताकि इसमें ये लच्छेदार पराठा बने। ये देखिए ये पान जो है, और एक बार फिर इसको ये थोड़ा घुमा के और फिर दबा दें, ये देखिए इसको बेल लेते हैं।
ये और इसे बहुत ज्यादा पतला ना बेलें, सेक लेते हैं गरम तवे में। देसी घी, विदेशी नहीं। ये लीजिए, लगा दिया। और वैसे आप चाहें तो इसको सर्व किसके साथ करेंगे? सर्व करने के लिए सबसे बढ़िया चीज तो है कि इसको आप सर्व करें प्यार के साथ। प्यार नहीं हो तो प्याज का इस्तेमाल करें, खैर कोई बात नहीं, अब प्यार की जगह प्याज हमेशा ना इस्तेमाल करें। पराठे में तो चल जाएगा, बाकी चीज़ों में नहीं, बिल्कुल ना करें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप जल्दी से नोट करें। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पालक की प्यूरे, 1.5 कप आटा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, दूध आवश्यकता अनुसार और 6 बड़े चम्मच घी के। इसे बनाने के लिए एक बोल में आटा ले लें और इसमें नमक, अजवाइन, पालक की प्यूरी और दूध डालकर इसका नरम आटा गूंद लें और इसे करीब 15 मिनट तक रखें। अब इस आटे की गोलियां बनाकर बेल लें, इसके ऊपर घी लगाएं, फिर इसके बीच एक चीरा लगाकर इसे रोल कर लें और फिर इसे हाथ से दबाकर करीब 10 मिनट तक अलग रख लें। अब इसे बेल कर गर्म तवे पे दोनों तरफ से सेकें और फिर घी लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें और इसे गर्मा गर्म परोसें छुंदे के साथ। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा ब्रेन फूड स्पेशल। चलिए बनाते हैं ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला नहीं, एक काम करते हैं अखरोट। भाई अखरोट जो ऐसा एक वॉलनट है, इतना बढ़िया फैट होता है, खास तौर से अगर आपको अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो तो वॉलनट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसका जो फैट है, फैटी एसिड, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एक बात और, ये जो अखरोट है जब इसको अंदर से तोड़ा जाता है तो ये भी कुछ ब्रेन की शेप में ही निकलता है। कैसे देखते हैं, ये अगर तोड़ा जाए तो कैसा निकलेगा। मेरे पास काजू, बादाम, वॉलनट यानी अखरोट, सारे नट्स हैं और इन नट्स को क्या करेंगे हम, इन नट्स को आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लें या तोड़ लें। ये जो वॉलनट हैं ये भी चाहिए हमें। ये मैंने गैस पे पैन क्यों रखा है, हाँ ये हम बनाएंगे इससे एक मीठी चीज़, ये सब नट्स को मिला के, और वो मीठी चीज़ बनाएंगे गुड़ से। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर केसर, हाँ केसर से रंग भी अच्छा आता है और ये जो डिश है ये बनेगी बढ़िया। ये हो गया मेल्ट और अब इसमें सबसे पहले मैं डालता हूँ रोस्टेड सेसमी तिल, बहुत पुराने नट्स हैं ये भी, उसके साथ साथ वॉलनट। और क्या डालें, आमंड्स, कैशू नट्स, और इसको मिक्स कर देते हैं ऐसे किसी, ये देखिए इसके अंदर अच्छे से दबाएं। जी हाँ, इसके ऊपर हल्का हाथ घी का और फिर ये ओह दम लगा के बराबर हल्का सा, ये जब गर्म ही हो तो इस तरह से, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको निकालें और इसको निकाल कर रख सकते हैं। वैसे इतने ज़्यादा नट्स एक बारी में ना खाएं क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा होता है। वो ऐसे कि ये जो काजू है, अगर आपके पास कैंडल ख़त्म हो गई है ना, बिजली चली गई है, तो इसको जला के रखें, काफ़ी देर तक जलता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत तेल होता है इसके अंदर, और जितना तेल जाएगा उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत तेल निकलता है। तो खैर ब्रेन के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खाएं। अभी पूरी रेसिपी नोट करें, उसके बाद रिकैप, बिल्कुल भी कुछ मिस ना करें, जल्दी से नोट करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप अखरोट कुटे हुए, आधा कप तिल भुने हुए, डेढ़ कप गुड़, थोड़ा सा केसर और एक बड़ा चम्मच घी। इसे बनाने के लिए एक पैन गर्म करके इसमें गुड़ डालकर पिघला लें, फिर इसमें केसर डालकर मिलाएं, इसके साथ इसमें भुने हुए तिल, काजू बादाम और अखरोट डालकर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को तुरंत एक ग्रीस की हुई ट्रे में डालकर फैलाएं और एक बेलन से दबा लें। इसके ऊपर घी लगाएं और जब यह गर्म हो तभी इसके चौकोर टुकड़े काट लें और फिर ठंडा करके इसे ट्रे में से निकालें और सर्व करें। सभी नट्स में देखें तो काजू की बात ही निराली है। पेड़ पर लगा काजू का फल आम के फल की तरह दिखता है, स्वाद तो इस शेल के भीतर छुपा हुआ है। ये काजू हमारी किचन में बनी ग्रेवी से लेकर स्वीट डिश पर हर जगह अपनी छाप छोड़ देता है। काजू के फल को देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो क्यों ना इसे तोड़कर इसका स्वाद तो चखूं। जी नहीं, इसके फल का स्वाद ना चखें और ना ही कोशिश करें, सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब बारी है आज की टिप की। भाई मसाला मिल्क पाउडर कैसे बनाना है, इसे बनाने के लिए एक मिक्सर में आधा कप बादाम, आधा कप पिस्ता, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा जायफल पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे पीस लें और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। भाई ब्रेन भी हमारे शरीर का ही एक अभिन्न हिस्सा है, वो ऐसा हिस्सा है कि जो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसको भी बहुत ज़रूरी है खाना मिलना। अब खाने के साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया पानी और ऑक्सीजन वो बहुत ज़रूरी है, तो पानी दिन में ढेर सारा पिए। खाना तो अच्छा आप खाएंगे ही लेकिन पानी कई बार रह जाता है, तो पानी अच्छा पिए। जो हवा है उस पर हमारा क्या कंट्रोल है, इतनी पोल्यूशन होती है लेकिन है हमारा कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि आप भी मैं भी जितनी भी ये पोल्यूशन है उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नील होना चाहिए। यानी कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम कहें ना बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ब्रेन को पड़ता है, हमारे घर वालों की ब्रेन पे पड़ता है। क्या हम थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रख सकते अपने एनवायरनमेंट का, ज़रूर रखेंगे, ये वायदा है मेरा भी और आपका भी, कीजिए ना वायदा। खैर कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।